सो फाइनली दोस्तों, बिग बॉस OTT लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड आउट हो चुका है और इस बार जैसा कि आपको पता है कि 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं घर से बेघर होने के लिए, तो ऐसे में कौन है नंबर 1 पर और कौन है नंबर 5 पर, ये रैंकिंग हमारे पास आ गई है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि रैंकिंग के मामले में प्रतीक सहजपाल को एक तगड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं दिव्या का जो गेम है वो काम कर रहा है। वो किस तरीके से, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं और बताता हूं मैं आपको लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने सपोर्टिव मैसेज भेजे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीक का जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड आपको बताया था वो डेफिनेटली पूरा का पूरा ऑथेंटिक निकला, पूरा का पूरा सही निकला। और मैंने आपको कहा था कि बिग बॉस गेम खेलेगा और जोड़ी में अक्षरा और मिलिंग को निकाला जाएगा, और फाइनली आपने देखा कि वही हुआ और आप लोगों ने बहुत सपोर्टिव मैसेज किए, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो आज भी हमारे पास एक ऑथेंटिक लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंडिंग रिपोर्ट है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बिग बॉस TV शोज और इंडियन आइडल कंटेस्टेंट के बारे में सारे न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बिग बॉस OTT लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। दोस्तों सीधे चलते हैं हम रैंकिंग रिपोर्ट पर और मैं आपको बताता हूँ लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से कौन है नंबर 1 पर और कौन है सबसे निचले नंबर पर यानी नंबर 5 पर। अगर हम बात करें नंबर 5 के बारे में तो यहाँ पर है नेहा वसीम, और हमें पता है कि नेहा को बहुत बार नॉमिनेट किया है घर से बेघर करने के लिए, लेकिन किसी न किसी टास्क की वजह से या बिग बॉस के कारण नेहा कई बार बचाई गई है और ये चीज़ें हमें दिखता है। और अभी भी नेहा वोटिंग के हिसाब से सबसे नीचे यानी नंबर 5 पर है। नंबर 4 पर है मूस जटाना, लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा है कि मूस जटाना को बिग बॉस अपने वोटिंग के हिसाब से नीचे ले आएगा और नेहा से पहले वो मूस को निकालने की कोशिश करेगा। खैर ये क्या होगा ये तो हमें वीकेंड के बारे में पता चल ही जाएगा। नंबर 3 पर यहाँ पर है समिता सेट्टी। आपको बताया कि समिता पहले से उनके बहुत ज़्यादा ऑडियंस है और अभी उनको वोट भी अच्छे खासे पड़ रहे हैं, दैट्स वाई नंबर 3 पर यहाँ पर आपको समिता सेट्टी देखने को मिल रही है। नंबर 2 पर है प्रतीक सहजपाल। जी हाँ, प्रतीक को वोटिंग के हिसाब से तगड़ा झटका लगा है क्योंकि कुछ दिन पहले से प्रतीक लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से नंबर 1 पर चल रहे थे, लेकिन अभी वो नंबर 2 पर चल रहे हैं और शायद इसका रीजन पिछले कुछ दिनों से जो प्रतीक का बिहेवियर रहा है घर के अंदर वो भी हो सकता है। अब हम बात करें दोस्तों नंबर 1 के बारे में, तो नंबर 1 में यहां पर है दिव्या अग्रवाल। जी हाँ, दिव्या अग्रवाल बहुत अच्छा गेम खेल रही है और कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी कहा था कि अक्षरा और मिलिंद इन दोनों के फैंस का भी वोट दिव्या अग्रवाल को जा रहा है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है दिव्या के लिए। दिव्या ने बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव खेला है, ये किस तरीके से मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों रैंकिंग कुछ इसी तरीके से है, नंबर 5 पर नेहा वसीम, नंबर 4 पर मूस जटाना, नंबर 3 पर समिता सेट्टी, नंबर 2 पर यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं प्रतीक सहजपाल और नंबर 1 पर दिव्या अग्रवाल। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। अब खैर इसमें बिग बॉस क्या करता है ये देखने वाली चीज़ है कि इसमें भी क्या बिग बॉस कुछ उलट फेर करता है, ये तो डेफिनेटली वीकेंड के बारे में हमें पता चल ही जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। ये था हमारा बिग बॉस OTT का लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स, जो कि डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इससे जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।